मैं जा रही हूँ। एक मिनट मैडम, आपके लिए ये आपका गुलाम पेश करता है फ्रेश ऑरेंज जूस। थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे वाकई नहीं पीना। अरे क्यों? देखो, ना खाने पीने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, खाओगी पियोगी तो प्रॉब्लम को अच्छी तरह से टैकल कर पाओगी। पियो। वैसे भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली अब। हे, डोंट लुक सो सैड, ओके? देखो, अच्छा अगर तुम्हारी मम्मी यहाँ होती तो वो क्या कहती? या ये सफर बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। ये राधा मम्मी का नहीं, मिस्टर जावेद अख्तर का कहना है। 1942 अ लव स्टोरी। लव स्टोरी तो है ना, सैड क्यों होना? आएगी सुबह और बीत जाएगी ये रहना। अब जाओ, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। मुझे बहुत काम करना है। हेलो। अरे भाई साहब, दिस इज नॉट अ म्युनिसिपल ऑफिस। तुम अंदर आ सकती हो या यहीं बाहर से चली जाऊं? आओ ना। अब क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता, सब्र से, भगवान पर भरोसा रखो। यही कहती आ रही हो ना तुम? मम्मा, द प्रॉब्लम इज कि तुम्हारा भगवान बहुत लालची हो गया है। बेटे, अभी सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है। हो जाएगा, जीएम ने नोटों से भरा वो ब्रीफकेस जो ले लिया है। अब तुम गुस्सा ही करोगी या कोई रास्ता भी ढूंढोगी? मैंने मिसेस सेठ के साथ काम किया है, उनकी वो अपना रास्ता निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। और तुम्हारी प्रियंका भी ठीक मौका देखकर छुट्टी पर जा रही है। तुम एक बात भूल रहे हो, अभी प्रियंका एक कलीग है। अच्छा, बड़ा कमाल का कोइंसिडेंस है। नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि प्रियंका ने मिसेस सेठ को बताया होगा कि हमें ये नई जगह मिल गई है एंड दैट वी आर कंटिन्यूइंग विद द वर्क? हाउ इज प्रिया इन्वॉल्वड विद ऑल दिस? क्योंकि उसकी जिंदगी में इस तक राहुल की अहमियत विक्की से कहीं ज्यादा है। ऑब्वियसली वो उसका हस्बैंड है। हाँ, लेकिन क्या राहुल की जिंदगी में भी प्रियंका की अहमियत सबसे ज्यादा है? हम यहाँ पर्सनल मैटर्स डिस्कस करने नहीं आए। रिचा, इवन आई एम नॉट गेटिंग पर्सनल, लेकिन प्रियंका ने ही राहुल को बताया होगा कि हमें ये नई जगह मिल गई है एंड दैट वी आर कंटिन्यूइंग विद द वर्क? जी नहीं, उसने नहीं बताया होगा, ये उसकी अपनी कंपनी है। हाँ, लेकिन क्या सेल्स की कंपनी भी उसकी अपनी कंपनी नहीं है? ओह गॉड, प्रिया ने क्या किया, प्रिया ने क्या नहीं किया, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हम क्या कर सकते हैं? ये स्केचेस, ये डिजाइंस, ये सैंपल्स, ये सब मेहनत का कुछ फायदा है या नहीं, दैट्स इम्पोर्टेंट, नथिंग एल्स मैटर्स। नो, वेट अ मिनट, मैटर्स प्रियंका ने ऐसा किया या नहीं किया, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। वो मेरी दोस्त, अगर उसने ऐसा किया है जी, कल तक डेवलप हो जाएंगी, परसों तक आपके पास पहुंच जाएंगी, परसों सुबह तक। हाँ हाँ, थैंक यू जी, मैं आज घर पे हूँ, वो मेरा नंबर आने वाला है। ओके बाय। दाल का तो मरीदा बन गया होगा। हाँ, आई डोंट बिलीव दिस। नहीं, वो आज रिचा को थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए। घर तुम्हारा भी है, अगर थोड़ा सा हाउस वर्क कर लोगे इसमें शर्म की क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा ऐसा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रिचा तुम पे हुक्म चलाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। उस दिन रेस्टोरेंट में तुम्हारी ऐसी हालत देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। आई डोंट लाइक सीइंग यू लाइक दैट करण, दोस्त हूँ ना, तुम्हारा भला ही चाहूँगी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि तुम
अपनी मैरिज को जला रही हो, लेकिन मैरिज वो तुम कब घर बस आ रही हो अपना? मेरा घर तो बस गया। हेलो हेलो यस हेलो मैडम, मैं मिसेस सेठ से बात कर सकता हूँ प्लीज? स्पीकिंग। हेलो मैडम, मैं एयरलाइंस की ऑफिस से बोल रहा हूँ। ओह कहो क्या बात है? प्रियंका जी हेलो, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मैडम वो ऐसा है कि मेफेयर की चिट फाइल अभी हमारे पास आई है, तो उसमें आपका नया टेलीफोन नंबर नहीं है। मैं प्रियंका नहीं, मिसेस सेठ सीनियर हूँ, प्रियंका घर पे नहीं है। अच्छा मैडम, आपने पहले बताया नहीं, तो क्या मुझे उनका नया टेलीफोन नंबर मिल सकता है? जी नहीं, उनका ऑफिस बंद हो चुका है और वो इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन गई हुई है, एक महीने के बाद लौटेंगी। आप फोन कर लें। प्रियंका महीने भर के लिए बाहर गई हुई है और मिसेस सेठ सबको ये बता रही है कि हमारा ऑफिस बंद हो चुका है। अगर वो किसी को जानता है तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। अब मैं तब तक घर नहीं जा सकती जब तक राहुल और प्रिया भी छुट्टी से ना लौटे। ओह गॉड, तुम हमेशा रहोगी मार्टर की मार्टर, बलिदान की देवी। भाई है मेरा, लेकिन करण शक तो मुझे मामा पे हो रहा है। क्यों? कल शाम मामा से एक आदमी मिलने आया था, बहुत देर तक वो दोनों बातें करते रहे, मामा से कुछ दे रही थी। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे इसका ताल्लुक राहुल और प्रिया से है। शायद उन्हें पता चल गया है कि वो दोनों बाहर साथ गए हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मिसेस सेठ के आगे किसी की नहीं चल पाई। ऋचा का ये पहला प्रोजेक्ट है आफ्टर शी हैज डिसाइडेड टू वर्क, लेकिन उसे हड़पने के लिए भी मिसेस सेठ ने नोटों से भरा हुआ सूटकेस पकड़ा दिया। किसको? एयरलाइंस के जीएम। ओह गॉड। एनीवे मुझे तुमसे ये सब नहीं कहना चाहिए। Tell me, how can I help you? मुझे कोई रहने की ऐसी जगह दिलवा दो जहां मैं चुपचाप शांति से कुछ दिनों के लिए छुप कर रह सकूं। तुम यहां रह सकती हो? क्या बात कर रहे हो करण, तो जैसे क्या कहोगे? लेकिन मैं क्या करूं? You know I care. I know you care. इसीलिए तो यहां आई हूं तुम्हारे पास। हाय हाय, कल मैंने तुम्हारे घर फोन किया था, तुम घर पर नहीं थे। हाँ वो पापा के साथ थोड़ा डॉक्टर के पास गया था। अनु प्लीज स्टॉप फीलिंग गिल्टी अबाउट टेकिंग दिस प्रोजेक्ट यार। वैसे भी मैं कंपनी रिजाइन कर रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? सीरियसली, जिस कंपनी में टेंडर रिजेक्ट करने के लिए ब्राइब ली जाती हो, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। क्या बात कर रही हो अनु? मैंने अपनी आंखों से देखा रजत। अनु ट्राई कंट्रोलिंग योरसेल्फ यार। इसीलिए मुझे इन नौकरियों से नफरत थी, इसीलिए मैं हमेशा फ्रीलांसर थी। तुम क्या सोचती हो, तुम चली जाओगी तो ये सारा सेटअप बदल जाएगा? नहीं ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन मुझे बर्दाश्त भी तो नहीं करना पड़ेगा। अनु स्टॉप बीइंग अ फूल यार। देखो राजत, यू एम्बिशियस, शायद जो मैंने रिजाइन कर दिया तो ये जॉब तुम्हें मिल जाए। फाइन फाइन, आई एम एम्बिशियस एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग एम्बिशियस। और मैं ये चाहूंगा कि तुम रिजाइन कर दो ताकि सारा ये काम मैं कर सकूं। वानु वाह, क्या इज्जत है मेरी तुम्हारी नजरों में। प्लीज राजत, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इंसल्ट करने की कोशिश नहीं कर रही थी। एक्चुअली मैं इस फील्ड के लायक नहीं हूँ। देखो अनु, भागना कोई हल नहीं है, यू गॉट टू बी अ सर्वाइवर। और वैसे तुम तो ब्राइब नहीं ले रही हो, फिर व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम नहीं समझोगे राजत, ईशा ने रात को जाग जाग कर ये प्रोजेक्ट पूरा किया। शी ऑलमोस्ट हैड अ ब्रेकअप विद करण ड्यू टू दिस। मेन बात तो ये है कि मैं सब कुछ देख रही हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। आई फील सो हेल्पलेस अबाउट इट, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अनु नहीं, जैसे जब मेरी माँ मरी थी ना, तभी मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था। एक्सक्यूज मी अनु, अनु प्लीज अनु, I'm sorry. You're sorry because I'm here? No.
मुझे बेल बजा कर आना चाहिए था। क्या हुआ ऑफिस में? कुछ नहीं, प्रेजेंट किया हुआ है, आप देखते हैं क्या होता है। काफी थक गई होगी, पानी पियोगी? I'll just get it. तुम बैठो, मैं ला। हेलो, भी नहीं बोलोगी? हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा, उसे बहुत बुरा लगा है। नहीं नहीं, वो बहुत थक गई। मैं चलती हूँ करण। निकी, तुम बैठो, मुझे सिर्फ 2 मिनट। I'm okay. I'm just all right. देखो, निकी प्रॉब्लम में थी, वो यहाँ पर इसीलिए आई है। तुम्हारी दोस्त है, वैसे भी आ सकती है। बेचारा, वो तुम्हारी भी तो दोस्त है। करण, एक बार जब चीजें टूट जाती हैं, उन्हें दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। इंसानियत के नाते भी नहीं। Hello, headquarters Calcutta. Yes, may I help you? Could I speak to Mr. Swami or Mr. Satna, please? Sorry, ma'am, Mr. Swami is on leave and Mr. Satna is on official trip. तो मैं किससे बात कर सकती हूँ? देखिए मैम, आज कोई सीनियर स्टाफ है नहीं। देखिए, I'm speaking from Bombay. It's very urgent. मैंने आपसे कहा ना कि कोई सीनियर स्टाफ ऑफिस में नहीं है। ए बदमाश, बॉटल से नहीं खेलते। तो तू चिंता मत कर, वो दोनों ठीक ठाक पहुंच जाएंगे। चल, मैं चलती हूँ। कहाँ जाएगी? किसी होटल में। यहीं क्यों नहीं रुक जाते? नहीं, मैं महान नहीं बन रही हूँ। तूने दिल्ली में मेरे लिए बहुत कुछ किया था, भूल गई थी, अब याद आ गया है। हम बीती बातों को भूल जाते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ मीठी यादों को, एहसानों को भी भूल जाते हैं। चाहे निकी, करण लव्स में, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है, ये छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज प्यार का इम्तिहान नहीं ले सकती। थैंक्स अ लॉट रिचा, मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उठ गया, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहूंगी। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर है। क्या? मेरी ऐश्वर्या को अपने पास रख लो थोड़े दिनों के लिए, मुझे सिर्फ उसकी चिंता है। प्लीज रिचा, यू कीप माय बेबी फॉर अ फ्यू डेज।
अगली फेरी कितनी देर बाद है? आधा घंटे के बाद है। थैंक यू। चिड़िया तो आ चुकी है पर उसका जोड़ीदार नहीं आया। हाँ, इस चिड़िया का शिकार तो नहीं करना ना। ठीक है। हाँ, घबराई हुई है जी। मासूम है, हसीन है। हाँ, वैसे देख के दिल नहीं करता कि इसके दुख के दिन करीब। बेकरार है, अच्छा रखता हूं। हेलो राहुल छह। राहुल घर पे नहीं है। कितना वागे निकलो? एक घंटा पहले। क्या बात है? एक घंटा लगता है ये लोग इस फेरी से नहीं जाएंगे। तब तक मैं अपने काम से निपट लेता हूँ। भाई साहब कितना हुआ? राहुल जल्दी आओ। प्रिया थैंक यू। प्रिया जल्दी करो, हमें इतनी देर क्यों लगी तुमको? हमें इसी फेरी में जाना है, चलो जल्दी। अरे रोको भाई रोको, अरे रोको भाई, मुझे भी जाना है। रोको रोको, अरे रोको भाई। राहुल एक मिनट, कम ऑन जल्दी जल्दी। राहुल राहुल रोको रोको।
मरना था क्या? अगली फेरी में नहीं आ सकते थे? राहुल, ये अंधे हैं,